क्लियरली ये लोग मर्डर का प्लान कर रहे हैं। रिसेंटली भी हसन कतेरी कैमरा ऑफ करके आमिर खुसरो और हुमेरा हसन पूरे कैमरे ऑफ करके घर पे बैठ के मर्डर के प्लानिंग्स कर रहे थे, ये भी मैं श्रीनिवास सर को इन्फॉर्म करी ये बारे में। मेरा नाम फातिमा है, हुमायूं नगर और वुमन पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेन करी थी हुमेरा आमिर सबा और मेहदी के नाम पे, और इनके सारे फैमिली मेम्बर जो क्रिमिनली टीम अप करके इन लोगों की जो सपोर्ट करे, सलमान हसन कतेरी, आसिया कतेरी, फरीन कतेरी, सबलोग जहरा कतेरी और सारा कतेरी भी, क्योंकि जब एक्यूज़ मार के मेरे को जब घर से भागा तो मैं सारे फैमिली को पूछ रही थी उस टाइम के मेहदी कहाँ पे है, आप लोग बात करिए, तो जानबूझ के टीम अप करके ये लोग कंप्लेन कराने नहीं दिए मेरे को पहले, क्योंकि घर के फंक्शंस चल रहे थोड़ा वेट करो बोल के हसन कतेरी बोले थे मेरे को। उसके बाद मेहदी खुद सारा कतेरी के घर जा रहे थे, मेहदी खुद जहरा से मिले, सब मेंबर से मिल रहे थे, लेकिन जहरा मेरे को ऐसा प्रिटेंड कराए कि नहीं मालूम किसी को भी, इवन पूरे फैमिली मेंबर। मेहदी हस्बैंड है मेरे, 5 अगस्त के दिन शादी हुई थी, उसके बाद टॉर्चर जैसे यहाँ फैमिलीज इन लॉज का शुरू हुआ तो मैं कंप्लेन यहाँ पे हुमायूं नगर में करी। आज चार्जशीट कंप्लीट हुआ, सेक्शंस ऑलरेडी एडेड हो गए सारे एक्यूजर्स पे, और मेहदी का लड़कियों को अप्रोच करने का पैटर्न शुरू से ही ये रहा है, जब एक्स वाइफ के जब केसेस चल रहे थे ऑलरेडी तो इन्होंने कंजुगल राइट्स डाले हुए थे एक्स वाइफ पे, तो वो डालने के बाद इनका अफेयर ऑलरेडी इसे चल रहा था, जो जैन अब्बास ऑलरेडी ये बारे में जानते जो मेहदी के बहन के हस्बैंड है। उसके बाद जो है सो शिबा जो है फयाज मामू की बहन की बेटी है, उनके साथ भी अफेयर इनका था। फयाज मामू इनको काम दिए हुए थे, वो कुछ डिवोर्स का केसेस है, ज़रा हैंडल कर लो आप बच्ची का बोल के, वो उसका नाम शिबा है, उसकी वाइफ का नाम जावेद है, तो वो केस हैंडल करते करते मेहदी जो है सो उनको भी शादी के लिए अप्रोच करे। उसी टाइम उसी दौरान फिर मेरे को कमिटमेंट भी करे शादी की, जब मेरे को मालूम हुआ मेहदी उनसे चैट कर रहे शिबा से, मैं इमिडिएटली फयाज को कॉल करी, जहरा को कॉल करी कि ये क्या है, ये सब तमाशे इनके, ये अफेयर्स, ये वो, पहले हिना का चल रहा था, अब जो है सो शिबा का चल रहा है। तो इनका पैटर्न लड़कियों को अप्रोच करना, गिफ्ट्स लेना, उन लोगों की लाइफ बर्बाद करना, एक शादी निकाह का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे मेहदी और उनके पूरे घर वाले। हुमेरा सबा सलमान आमिर मेहदी ये सारे घर वालों के ऊपर हुआ है, और एक केस हसन कतेरी और आसिया कतेरी के ऊपर भी है, क्योंकि उन लोग उनके बेटे की शादी से पहले मेरे से पैसे लिए थे ऑलरेडी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और जो हैंड कैश लिए थे ऑलरेडी हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में हम लोग दे दिए, सबमिट कर दिए। जब मैं पैसे रिटर्न में पूछी तो घर पे इश्यूज कर रहे, रहने नहीं दे रहे बराबर, सलमान कतेरी फरीन पुलिस में डाली थी। जैसे मैं हसन कतेरी से पैसे वापस मांगी मेरे, ये लोग घर में टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए मेरे को, लाइट बिल पे करो बोलकर, या फिर घर रूम के सामने कुछ ख़राब डाल देना, या किचन यूज़ करने नहीं देना, इतना एजुकेटेड होके ये लोग ये हरकत कर रहे मेरे साथ, सुकून से घर पे भी रहने नहीं दे रहे मेरे को। लाइट बिल्स मैं क्यों पे करूँ, मैं आप लोग पे कर लो या मेहदी को कॉल करके पे करा लो, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी मेहदी मिसयूज़ करे हुए है, और मेहदी ड्रग्स भी लेते थे, ड्रग्स लेके घर आके मारते थे इन्हों ऑलरेडी, हसन कतेरी सलमान कतेरी को खुद मालूम है ये, जिस दिन मेरा गला दबा के मेहदी भागे थे उस दिन सलमान भी इनको मारे हुए थे, और सब घर वालों को सब मालूम रख के छुपाए हर एक चीज़, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करे क्रिमिनली एक्ट में ये लोग। यहाँ पे केसेस अभी हुमेरा सबा और आमिर के ऊपर केसेस बुक हुए हुए, सेक्शंस भी लगे हुए हैं जिब ओपन करने के ऊपर, और 420 भी मेहदी के ऊपर लगे हुआ है अभी, और भी बहुत सारे सेक्शंस है जो वुमन पुलिस स्टेशन में सेपरेट है। वहाँ पर मेहदी की एक्स वाइफ के टाइम पे भी मेहदी बहुत सारे ड्रग्स लेते थे वीट के, उनकी खुद वाइफ कन्फ्रंट करे फोन पे, और मेहदी के सारे विटनेस हमजा है, और हमजा रिसेंटली मेहदी से भी मिले, अब मेरे पे स्पाई कर रहे हैं वो लोग कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। क्लियरली ये लोग मर्डर का प्लान कर रहे हैं। रिसेंटली भी हसन कतेरी कैमरा ऑफ करके आमिर खुसरो और हुमेरा
तो मेरे को जान का धोखा है ससुराल वालों से। मेहदी ऑलरेडी ड्रग्स लेके हजार बार घर आए, उनके भाइयों को भी बोली, हर चीज अवॉइड करते गए। मैं चाह रही हूँ कि मेहदी के ट्रैप में कोई भी ना आए ना इनके बातों में, क्योंकि ऑलरेडी इन घर वालों को ट्रैप कर चुके हैं ये चीजों में। ऑलरेडी जब मेहदी को लोकेशन ट्रैक करके कैच करी पुलिस, वुमन पुलिस वाले खुसरो के जिम पे पाए गए इनो, तो वहां पे मेहदी और खुसरो दोनों जने कहते हमजा जब कॉल कर रहे थे, तो इनके मम्मी के इंतकाल से पहले वाली चीज है वो या इंतकाल के बाद वाली जो